brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार कंगना रनौत पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ इस वक्त बुरी तरह से फंसी हुई है। दरअसल मामला कुछ इस तरह का है कि कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल की मंडी से अपना उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह तरह की बातें उठने लगी। लेकिन इसी बीच सुप्रिया श्रीनाथ का कंगना के खिलाफ एक विवादित पोस्ट वायरल होने लगा। पोस्ट आपत्तिजनक है, इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते। बहरहाल आपको बता दें कि जैसे ही सुप्रिया का पोस्ट वायरल हुआ तो हर तरफ हड़कंप मच गया और मामला बढ़ता देख सुप्रिया ने पोस्ट को डिलीट किया और सामने आकर खुद सफाई भी पेश की। तो वहीं अब कंगना भी खुद मैदान में कूद गई हैं और उन्होंने सुप्रिया श्रीनाथ को जवाब देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 सालों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जों में एक वैश्या से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकार नेता तक, सभी महिलाएं अपनी गरिमा की हकदार हैं। हमें अपनी बेटियों को पूर्व ग्रहों के बंधने से मुक्त करना चाहिए। हमें उनकी बॉडी पार्ट्स को लेकर जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली सेक्स वर्कर्स की किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या फिर अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हालांकि सुप्रिया श्रीनाथ ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि उनके अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास चला गया था, जिससे ये गड़बड़ी हुई। सुप्रिया ने दावा किया है कि ये पोस्ट उन्होंने खुद बिल्कुल भी नहीं किया है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनाथ का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है, महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। वहीं दिल्ली आने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने कंगना से सुप्रिया को लेकर सवाल किया तो आप खुद सुनिए क्या कहा कंगना रनौत ने। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी में चुनाव लड़ रही हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पे आपको जवाब दिया है, अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके आई मीन यू नो सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं
वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मैम आप एक्शन लेंगे एक्शन में जाएंगे महिला आयोग में जाएंगे? देखिए मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप हाँ जी उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे मैम, क्या ले मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना पिछली रात तो मुझे टिकट मिला उससे पिछली अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। भले ही सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले में सफाई दे दी है, लेकिन इस मामले में सुप्रिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में भी देखना बनता है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। बाकी आपकी इस वीडियो पर जो भी राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।